हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। चलिए, हम लोग देख रहे थे बिहार करंट अफेयर का एमसीक्यू, और पिछले वीडियो में मैंने 1018 तक कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 1019 से लेकर 1180 तक, जो कि मई 2023 का जो है पूरा लगभग हम लोग आज कम्प्लीट कर लेंगे। फिर देखेंगे कोई नेक्स्ट कोई पब्लिकेशन लेंगे, या तो एडिटोरिया का करंट अफेयर करेंगे, या फिर देखते हैं कोई अच्छा सा हो तो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो ये कौन सा स्थान है? तो ये बक्सर। आगे देखते हैं। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो तरकारी एक्सप्रेस का जो शुरुआत किया गया ये पटना से किया गया है। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो मिशन 5.0 का जो संबंध है ये वृक्षारोपण से है, और इसका शुरुआत कौन किए थे? हमारे सीएम नीतीश कुमार ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये 2021 का जो था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना किया गया था? ये किया गया था 10.5%। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? तो ये कितना? ये 3। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? तो ये कितना दिया गया था? तो ये स्वीकृति मिला है 10 योजना परियोजना को। आगे देखते हैं 1025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है बिहार के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है? सराहना किया कौन सा ऐप को? और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है। तो ये किस ऐप के बारे में बात कर रहा है? ये किया जा रहा बात हिट कोविड के बारे में, जो क्या था, कोरोना मरीज को आइसोलेशन में जो था, होम आइसोलेशन में उसको मदद करता था। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है। तो एक रोबोट तैयार की है आकांक्षा ने, जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस ज़िले की रहने वाली है? तो आकांक्षा किस ज़िले की रहने वाली है? ये पटना ज़िला की रहने वाली है। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेल्फलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो सेल्फलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है। ये कौन सा कॉलेज की छात्राओं ने किया है? की है ये किए वुमेंस कॉलेज पटना के द्वारा। आगे देखते हैं 1029 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है एक भी नहीं, कोई नहीं है इसमें। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 7.71%। और हम लोग देखेंगे जब SPD का पूरा, हम लोग जब बिहार करंट अफेयर का देखेंगे तो उसमें क्या बिहार करंट अफेयर का ये बजट भी आ जाएगा और आपका ये भी आ जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है
बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो श्रेयसी सिंह को जो अवार्ड दिया गया है वो किस क्षेत्र में, खेल के कौन से क्षेत्र में, तो वो है शूटिंग में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? संजीव कुमार झा को। याद रखिएगा ये 2019 का अवार्ड है, बिहार गौरव अवार्ड 2019, संजीव कुमार झा। बिहार में कुलसम श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया 10 लाख रुपए की। ये कुलस है, यहाँ कुशल होना चाहिए, कुशल। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस ज़िले में हुई है? तो ये कहाँ हुआ होगा, ये तो पटना में ही हुआ होगा, यहाँ के लोग ही ऑनलाइन डिलीवरी मंगाएंगे सब्जी का। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया था उसमें, ये किया गया था त्रिपुरारी शरण राव को। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्य पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा 30% की सब्सिडी। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो ये कितना बनाया गया था उस समय, ये बनाया गया था 7। हाल ही में बिहार के किस ज़िले से उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू किया गया, ये कहाँ से, ज़िला उड़ीसा की किया गया है आपके पटना से। हाल ही में बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया है, शांति जैन का निधन हो गया है। वह किस ज़िले की निवासी थी? तो वह जो थी किस ज़िले की निवासी, भागलपुर ज़िले की निवासी शांति जैन। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? तो जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया, 4 मई को मनाया गया। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन हो गया बिहार की, खुशबू कुमारी। हाल ही में बिहार के किस ज़िले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये मिला है कहाँ पे, तो ये मिला है दरभंगा में, हरिहर की प्राचीन मूर्ति। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकेंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा किया गया था डेवलप, ये IIT भागलपुर के द्वारा किया गया, ट्रिपल IIT क्या है, IIT दो ही होना चाहिए ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1045। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो ये किया गया था कितना, 5 किलो का। हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर
पाबंदी लगा दी गई है, तो 60 वर्ष से ऊपर वाले को काम नहीं किया करने दिया जाएगा मनरेगा में। अब मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो दूसरा। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हसन इमाम। अब देखेंगे 1049 नंबर। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंची है? तो उस समय न्यूज़ है कोरोना समय का, तो वो पहुंचा था लगभग 14,000। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है, इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो ये खरीदेगा 7 लाख टन। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया, वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो मोहन मिश्र किस जिले के निवासी थे? मधुबनी के। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो किसके सहयोग से ये किया जा रहा है? ये किया जा रहा है यूनिसेफ के सहयोग से। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो ये मिला है किनको? अनंत कुमार को। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? तो ये कौन किया है? ये किया है PMCH पटना के द्वारा। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? तो ये किया जा रहा है हैप्पी स्ट्रीट नाम से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? रघुनंदन लाल भाटिया का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिस कर्मियों को दे दिया है? तो ये बिहार के द्वारा लिया गया है ये कदम। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका डेट भी पूछ सकता है। तो ये है 1 जून से किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी की स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो कौन किया है ये टोक्यो पैरालंपिक में? तो ये किया गया था प्रमोद भगत के द्वारा। और प्रमोद भगत क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दरभंगा डायमंड्स ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? तो ब्लैक फंगस काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय, तो ये जोक पद्धति के द्वारा। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई है?
तो 15 जून से समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया है? तो ये रोक लगा दिया था उत्तर प्रदेश द्वारा जो बनाया जा रहा था। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? तो ये अरवल के जेल में हुआ था। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में BBI ने, तो यहाँ CBI होगा, ने क्लीन चिट दे दिया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये कितने साल पुराना था? ये पुराना था 3 साल। हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? तो 49,638 अपराधियों का गिरफ्तारी हो चुका था। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो ब्लैक फंगस को। तो उस समय कौन थे स्वास्थ्य मंत्री? मंगल पांडे। और अभी ये स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? ये है तेजस्वी यादव के पास। आगे देखते हैं 1070 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है? तो बिहटा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है बिहार के द्वारा? बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये कब से किया गया था? तो ये किया गया था 9 मई से किया गया था। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख का सीड फंड देगा? तो 15 लाख का सीड फंड दिया जाएगा। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मैट्रिक टन गेहूं खरीद ली है? तो ये 23,000 मैट्रिक टन। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 21-22 का है वित्त वर्ष में, तो उसमें कितना किया गया था? ये किया गया था कितना, 58,603.60 करोड़। आगे देखते हैं। चलिए ये हो गया। कितना था ये वित्त वर्ष था 2021-22 के लिए कितना था? इसमें देखा जाए तो वही 5,803.60 करोड़। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रख रखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल के द्वारा। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावे बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए? ये उस समय का है जब कोरोना अपने चरम सीमा पे था, तो लाशों का ढेर गंगा में चल रहा था। आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ में, तो उस समय का ही न्यूज़ है। तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए, गाजीपुर के अलावा पूछ रहा बिहार में, तो बिहार के कहाँ होगा? ये बिहार के बक्सर में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? तो जो बिहार मुजफ्फरपुर में जो शाही लीची का उत्पादन होता है, तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है ब्रिटेन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों के घूमने पर अंकुश लगाया है? तो ये लगाया गया था बिहार के ही द्वारा। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? तो किस नाम से किया गया था?
मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के नाम से किया गया था। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया? तो मिशन आरोग्य रक्षक शुरू जो किया गया था कोरोना के समय में, ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो ये किस पौधे लगाए जाएंगे, किस योजना के तहत? मिशन 5 करोड़ योजना के तहत। हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा किया है? तो ये किया गया था कितने, 20,000 गांव में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई है? तो पप्पू यादव को किया गया था। और इनका पार्टी कौन है, क्या नाम है? जन अधिकार पार्टी। कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दिया है? तो ये ब्लैक फंगस का, तो उस समय आपने काफ़ी देखा होगा, न्यूज़ में रहा होगा। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक, फिर से देखते इस क्वेश्चन को। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1 लाख का, जो पीटी पास कर लेते हैं उसके लिए ये प्रावधान है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई है? तो ये कब से किया गया, ये 16 अगस्त 2021 से किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? तो ये मिला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दिया जाएगा? तो ये क्या था, 900 और 1,000, ये ए और बी दोनों, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 1090 नंबर देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है? तो एक रिपोर्ट है यूनिसेफ के द्वारा, तो ये कितना था, ये 75 लाख बच्चों का क्या हुआ, पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गया था। ये क्या सब, ये कोरोना का असर था। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया गया है? तो ये किस नदी पर किया गया था, ये किया गया फल्गु नदी पर। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो क्या नाम रखा गया था, ये रखा गया था टीका एक्सप्रेस। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस ज़िले में हो रहा है? तो बिहार के किस जिला में हो रहा था, ये पटना में। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नवेदाम को FSSAI के शुद्ध और हाइजेनिक माना है? तो ये कहाँ है, ये महावीर मंदिर पटना में। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया है, इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिला शामिल है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो 2021 में जो मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ है,
बिहार के किस जिले में? ये मधुबनी में। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 लाख, याद रखिएगा 2021 का, 21-22 का है ये। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया था 11.5 लाख घर बनाने का मंजूरी। एक 1099 नंबर आ गए हम लोग। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दबाव और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि मंजूरी की है? तो ये कितना था? ये 1028 करोड़। चलिए 1100 पे पहुँच गए हम लोग। हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए जो रैंकिंग है 2020 का, हाँ 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। तो कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है 2020 के रैंकिंग के अनुसार। यह थाना बिहार के किस जिले में है स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये अरवल जिला में स्थित है। हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 8 जिलों में। हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वाले को एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया जो सरकार क्या करा, शराबबंदी कानून को तोड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुई है? तो ये पटना में ही हुआ है सबसे ज़्यादा। बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो बक्सर के हैं। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4.37%। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को वेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना जो कुलपति हैं उनको। हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो ये किया जाएगा पटना चिड़ियाघर। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? तो ये किया है 32,000 करोड़। हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1,043 करोड़ रुपये दिए गए हैं? तो ये कौन सा है, कहाँ का सड़क? ये है मुंगेर का सड़क। 1110 नंबर देखेंगे हम लोग। बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया, मतलब शुरुआत में कितने घर पर कनेक्शन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 4000 घरों को। हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 7। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टेली ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी किसके द्वारा किया, ये बिहार के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं?
तो पटना के लोग। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? तो कब होगा इसका? ये होगा 10 अप्रैल को। बिहार के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी क्या है कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था गया में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस ज़िले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ होगा? ये होगा मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस ज़िले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल में। आगे देखते हैं, 1000 ये क्या है, सॉरी 1118 नंबर। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो 5 करोड़। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है, इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो 385 रुपये की। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किया है? तो 6043 करोड़। बिहार के किस ज़िले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो कहाँ लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है मधुबनी में। किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है? तो ये भी कहाँ किया गया? ये बिहार में ही किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने ज़िलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 4 जिलों में। हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है, यह बिहार के किस ज़िले के रहने वाले हैं? तो ये कहाँ के सब रहने वाले था? ये सब था नवादा का रहने वाला। हाल ही में बिहार के किस ज़िले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो ये छपरा के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की घोषणा या योजना बनाई है? तो विकलांगों के लिए कर दिया गया था कितना, ये 50 किलोमीटर तक मुफ्त में ये जा सकते थे, ये योजना बनाया जा रहा था। हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 14 से 20 अप्रैल को किया गया था ये। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था किनके द्वारा? तार किशोर प्रसाद के द्वारा, जो उस समय डिप्टी सीएम थे। नंबर। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन या तालाबों, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो कितना किया गया था? ये किया गया है 26,178। बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है, इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? कितना क्विंटल दाल खरीदेगा बिहार? तो ये खरीदेगा 5 लाख क्विंटल, उस समय का ये डाटा है 2022 का। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में एथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है, इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? तो 3 जिलों में।
देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो ये भी किसके द्वारा किया गया है? ये बिहार के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की है? तो ये जो मांग किया गया था 30 लाख डोज का मांग किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 ये शहरों में। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृति की गई है? तो ये किया गया है 8386 कहाँ पंचायतों में। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया था। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 2 हरित ग्रीन कैट सिटीज वाला देश का पहला जो राज्य बन गया है ये बिहार ही बना है। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया है। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो चंद्रनाथ मिश्र अमर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है? तो 78.79 करोड़। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? तो 2024-25 तक 1141 देखते हैं। चलिए, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? तो ये 15 लाख श्रमिकों को जोड़ने का योजना बनाया था। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये जो चक बिहार किसके द्वारा किया गया था लॉन्च, ये जो डेवलप किया गया था, ये किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है? पटना में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 2020-21 का जो वित्त वर्ष है, तो बिहार का कितना रैंक मिला था? ये मिला था 3। बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो ये चनपटिया कहाँ का है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? कैमूर से। 7 निश्चय Part 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटने जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो 3। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो 50। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक
राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये कौन किया है? तो ये राजीव कुमार ने किया है। बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो कितना घंटा? ये 48 घंटा सप्ते में। किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए दो नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के द्वारा। बिहार का पहला नेचर सफारी किस ज़िले में बनाया गया है? तो नेचर सफारी आप लोग जानते हैं, ये नालंदा में। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खेतों में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है? तो 446 करोड़। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया था कब तक? 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया था। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो ये 8 जिलों में। हाल ही में बिहार के किस जिले की वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी एक को कंपनी वन को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो सहरसा के। रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला है मामला में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो जो चारा घोटाला में कब जेल हुआ था लालू यादव को? तो ये हुआ था 23 दिसंबर 2017 को। हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। वे कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? तो एक दिन मात्र रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछा छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो बिहार ने किया था। आगे देखते हैं 1161 नंबर क्वेश्चन। कुल क्वेश्चन कितना है? 1180 है मई तक का एमसीक्यू में। चलिए 20 और बचा है, इसे हम लोग देख लेते हैं आज ही। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए विस्तार कर दिया है? मतलब किस अवधि तक? तो ये कब तक किया गया है? ये किया गया है 31 मार्च 2022 तक। हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के क्या जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कितने जिलों के सड़कों के लिए? तो ये किया गया था 6 जिलों के सड़कों के लिए। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो किस जिला में ये बनाया जा रहा है? मोकामा में। किस शहर में पूछ रहा? देख सकते हो किस शहर में, जिला नहीं मोकामा। जिला हो तो मोकामा किस में? ये मोकामा पड़ता है आपके पटना में। चलिए शहर हो गया। हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस शहर को रखा गया है लक्ष्य? ये पटना को रखा गया है लक्ष्य कि टॉप 20 में लाना है 100 स्मार्ट सिटी में। मक्के के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मक्का उत्पादन में बिहार दूसरा स्थान पर। हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है? तो कौन सा ऐप? तो संजीवन ऐप।
एक संजीवनी ऐप है, एक सुनंदनी ऐप है, तो वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? 5 लाख। हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो कितना लाख है ये? 10 लाख का प्रावधान किया गया था, लेकिन 5 लाख है क्योंकि इसको बढ़ाकर 10 किया गया था, जिसमें क्या था, इसमें यह था कि 50% अनुदान था, 50% आपको बहुत कम ब्याज दर पे दिया गया था उस समय। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 1.3 लाख टन। हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? तो ये निर्धारित किया गया था कितना, 194 मैट्रिक टन का। चलिए 1171 देखेंगे हम लोग। बिहार में पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो पीएम केयर फंड के तहत ही लगाया जाएगा, कितना ये लगाया जाएगा, 15। चलिए आगे देखते हैं 1172। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो 72 घंटा पहला ही बाढ़ आने से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? जो वाटर सोर्सेज है उसके लिए बोल रहा है, ये इसका हेल्थ कार्ड बनेगा। तो ये कितना, तो ये किया गया है 26 जलाशयों को। हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है, वे किस जिले के निवासी हैं? तो अभिषेक रंजन ने कहाँ के निवासी हैं, बिहार के किस जिले के, तो ये हैं नालंदा जिले के। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? तो ये कितना था, 6,222 करोड़ रुपए का नुकसान होने का संभावना था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है, इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा या मिलेगी? तो कितना लोगों को मिलेगा, ये मिलेगा 9 करोड़। हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूलन खेती योजना में शामिल किया गया है? तो खेसारी को, खेसारी जो दाल होता है, ये देखिए 9 करोड़ लोगों को मिलेगा। और जो हाल का डाटा था बिहार का आबादी लगभग कितना बताया गया, लगभग 14 या 15 करोड़ है, शायद 14 है। तो देखिए 14 करोड़ में 9 करोड़ लोगों को ये दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी राजन मिश्रा का निधन हो गया है। तो उन्हें पद्म भूषण मिला था, राजन मिश्रा का, तो निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजन मिश्रा का जो संबंध था किस क्षेत्र से था, तो ये शास्त्रीय संगीत से था। हाल ही में बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो जो 26 जो बड़े जलाशय हैं, तो ये कितने जिलों के हैं, तो ये कुल 12 जिलों के हैं। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किस कर्मचारी के कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो किसी कर्मचारी के कोरोना अगर संक्रमण हो जाता है पंचायत चुनाव के दौरान, तो कितना दिया जाएगा उसको मुआवजा के तौर पे? तो ये दिया जाने का प्रावधान था 30 लाख। चलिए हम लोग ये देख लिए हैं।
कंप्लीट होता है हमारा मई, जो मई था 2023 का एमसीक्यू पूरा हम लोग देख लिए थे करेंट अफेयर का। अब से हम लोग एमसीक्यू देख रहे थे मई, आपका हो गया जनवरी 2022 से मई 2023 तक का, वन लाइनर भी देखें और एमसीक्यू भी देखें, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर देखना होगा एमसीक्यू तो हम लोग एडिटोरिया से देखेंगे, और जो एसपीडी का है वो फर्स्ट लेकर हम लोग फर्स्ट पेज से करेंगे, जो आने वाला वीडियो उसमें हम लोग बना देंगे, तो आप लोग देखिएगा। और चलिए ख़त्म होता है एमसीक्यू मई तक का, और उसमें हम लोग आप लोग जो जो लोग कमेंट किए थे बजट का, तो बजट भी उसी में हम लोग कर देंगे, तो ध्यान आप लोग रहिएगा अवेयर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।